नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत हांसी से बड़ी खबर के साथ करेंगे। स्कूल बस और हरियाणा रोडवेज के बीच टक्कर हुई है। हादसे के बाद स्कूल बस पलटी, 6 बच्चों के घायल होने की खबर है। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यदुवंशी स्कूल की ये बस बताई जा रही है, बेहद दर्दनाक ये हादसा। घायल बच्चों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यदुवंशी स्कूल की ये बस बताई जा रही है। सड़क दुर्घटना का ये मामला सामने आया है। बस में 15 बच्चे सवार थे, जो जानकारी अभी तक मिल पा रही है। हांसी से बड़ी खबर, स्कूल बस और हरियाणा रोडवेज के बीच टक्कर हुई है। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यदुवंशी स्कूल की ये बस बताई जा रही है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बस में 15 बच्चे सवार थे। हांसी से बड़ी खबर, स्कूल बस और हरियाणा रोडवेज के बीच टक्कर हुई है। हादसे के बाद स्कूल बस पलटी है, 6 बच्चों के घायल होने की खबर। फिलहाल घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यदुवंशी स्कूल की यह बस है। हांसी से बड़ी खबर, जहां सड़क दुर्घटना हुई है, स्कूल बस और हरियाणा रोडवेज के बीच टक्कर हुई है। आपको बता दें कि बस में 15 बच्चे सवार थे, जिसमें से 6 बच्चों के घायल होने की खबर मिल रही है। फिलहाल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी जानकारी हांसी से निकलकर सामने आ रही है, जहां घायल बच्चों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। स्कूल बस और हरियाणा रोडवेज के बीच ये टक्कर हुई है। सड़क दुर्घटना का यह मामला हांसी से सामने आया है। यदुवंशी स्कूल की ये बस थी और रोडवेज और बस के बीच टक्कर हुई है, जिसमें 15 बच्चों के घायल होने की खबर। संदीप सैनी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। संदीप, किस वक्त ये हादसा हुआ है और कहां, किस जगह पर? जी, आज ये करीब 11 बजे की ये घटना है और गढ़ी गांव के पास ये हादसा हुआ है, जो रोडवेज की बस और स्कूल बस की टक्कर हुई है। इसमें कुल 15 बच्चे थे स्कूल बस में और जो घायल हुए हैं उनकी संख्या 6 है। उनको हांसी के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां बच्चों की हालत स्थिर बनी ठीक है। जो हांसी के बीओ है सुभाष वर्मा, वो भी मौके पे पहुंचे और उन्होंने बच्चों का हालचाल जाना है। अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस जांच कर रही है कि किस की ये गलती थी। जी ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बच्चों की स्थिति इस वक्त स्थिर बताई जा रही है। हरियाणा रोडवेज और स्कूल बस के बीच टक्कर हुई है।